कोटा में बदमाशों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। यहाँ अपराधी अपराध करने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और लोगों में अपना डर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पुलिस ने भी ऐसे अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कोटा ग्रामीण की मंडाना और चेचट थाना पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट और लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने पहले युवक को पीटा, उससे लूट की और अपनी दहशत फैलाने के लिए मारपीट का वीडियो भी बना दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई, बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी और आखिर में मंडाना थाना पुलिस ने बदमाश हिम्मत कुमार पारेता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं दूसरी ओर चेचट थाना पुलिस ने भी इसी मामले में दूसरे आरोपी कालू लाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को दो देसी कट्टे बरामद हुए हैं। तत्काल एनएसएचओज के द्वारा वापसी पर थाना मंडाना और थाना चेचट पर एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा अलग से दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया। एक मुकदमा मंडाना थाने पर और एक मुकदमा चेचट थाने पर। उनसे पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन किया गया और पुनः जो परिवादी था उससे संपर्क करने का प्रयास किया, जो आज प्रातःकाल मंडाना थाने पर उपस्थित आया और उसने पूरी घटना के बारे में हमको बताया, जिस पर उसके एक एफआईआर लेते हुए मंडाना थाने पे जो तीन व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं उसका एक अतिरिक्त प्रकरण मंडाना थाने पे दर्ज किया गया। वर्तमान में जो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार दो अभियुक्त हैं हेमंत पारेता और कालूलाल गुर्जर, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। माननीय न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड लिया जाएगा। उनके द्वारा और कौन कौन से अपराध किए गए इस बारे में पूछताछ की जाएगी। और जो तीसरा मुकदमा जिसमें ये वायरल वीडियो मारपिटाई करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि घटनाक्रम इस प्रकार से था कि कोई पैसे को लेकर के परिवादी को बुलाया गया, वो पैसे इनके द्वारा छीन लिए गए, मारपिटाई भी की गई, तो लूट का प्रकरण धारा 394 और आईटी एक्ट, चूँकि इनके द्वारा वीडियो को वायरल किया गया वह अन्य धाराओं में जो दर्ज किया गया उसमें भी इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इन बदमाशों ने अपने एक और साथी रोहित के साथ मिलकर 25 दिन पहले अमन गुप्ता नाम के युवक के साथ मारपीट की थी और उससे 20,000 रुपए छीन लिए थे। पूरी मारपीट का वीडियो भी आरोपियों ने बना लिया ताकि दूसरे लोगों को दिखाकर अपनी दहशत फैला सकें। लेकिन उनका ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।